हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुए जय निवासी। देखिए, आज दिवाली का टाइम है, पर 2 दिन बचा है बस दिवाली के लिए। गुरुवार को दिवाली है और परसों है धनतेरस। धनतेरस के दिन कहते हैं कुबेर की पूजा की जाती है, तो मैं उस तो उस दिन बता दूंगी मैं कल, लेकिन ये बताऊंगी कि आज संडे है। अगर आपको किसी भी अपने कहते ना, मैं रोज़ कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन अभी मैं ये बताऊँगी कि कुछ सिखाना सिखाने से अच्छा मैं आज अपने ग्रुप वालों को, जो भी मेरे जितने लोगों ने मेरे पास सीखना चालू किया, उन लोगों को वशीकरण का काम तो सिखा दिया है। सुल्तान जीन करिश्मा परी सब एक्टिव करके उनका मंत्र भी दे दिया है। अभी मैं उन लोगों को, आप नया स्टेप 3 दिन बचा है, मारण मोहन, मारण उच्चाटन, किसी को सबक सिखाना, वो सब सिखाऊंगी। और सिखाऊंगी क्या, 3 दिन में उनको एक्टिव कराऊंगी कि पहले उनको शक्तियों का आवाहन करना सिखाऊंगी। शक्तियाँ उनको दिवाली की रात इंसानी रूप में दर्शन देंगी, ये पक्का बात है। तो मैं आज अब ये चीज़ सिखाने वाली हूँ। दूसरी बात, मैं आप सबको एक बात सिखाऊंगी कि सबसे पहले तो आज एक बात बोलूँगी, हमारे आनंद भाई हैं, उनकी मम्मी आज ऑफ हो गई, बहुत दुख हुआ मुझे। क्योंकि हमने पूरी कोशिश की थी पूजा वूजा करके, लेकिन अचानक से बीमार थी वो, उनको कोरोना पॉजिटिव आया था। पता नहीं ये कैसे फिर से खेल शुरू है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टरों का क्या है मालूम नहीं। एक्चुअली 68 ईयर्स की थी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा दुख है। क्योंकि आनंद भाई मेरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे ग्रुप में एक यही आदमी है जिसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। मैंने अगर उसको बोल दिया कि ये मिट्टी सोना है, तो उसको सोना ही समझा है। आज बहुत तकलीफ़ में है। हमने तो पूजा की थी, मैं तो थोड़ा ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती क्योंकि मेरा काम दूसरा चालू है। मैं इस वक्त एक नमक का उच्चाटन का सब काम कर रही हूँ। बाकी मेरे ग्रुप में सब लोगों ने 11-11 लाख का जप लिया है। हालांकि कितने लोगों ने 11 लाख का जप लेके पूजा बीच में बंद कर दी है, एक दो जनों ने, उसकी नेगेटिविटी उनको भोगने मिलेगी। क्योंकि अगर आप कोई संकल्प लेते हो, वो पूजा अगर लास्ट तक पूरी नहीं होती है, तो उसका पूरी नेगेटिविटी भगवान देते हैं, ये पक्का है। अब वो किसने किया है ऊपर वाला जाने, लेकिन रात को आईनी अमृत में दिखा है कि कुछ लोगों ने तो पूजा बंद कर दी है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूजा करना पूजा नहीं होती, पूरे ग्रुप के लिए पूजा करना, शक्ति पाना गुरु से। देखिए, इस दुनिया में 2 जनों का अपमान कभी मत करो, अपने गुरु का और अपने माँ बाप का। मैं समझती हूँ ये वीडियो बनाने सब बोलेंगे माता जी आपका, तो मेरे तो देखो, जब मेरे बात तक बात आएगी तो मैं भी यही बोलूँगी, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। बाकी क्या था, पीछे का सच कोई जानता नहीं है। दूसरी बात, जो वो बात छोड़ी दो उधर, लेकिन ये है कि माँ बाप का और गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो गुरु का। गुरु का अपमान करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता। ये गुरु आपको लोगों की पहचान सिखाता है। पता है, भगवान भी पहले गुरु का पैर पड़ता है। हम कोई भी पूजा करते हैं ना, तो ओम गुरुवे नमः करके पहले पैर पड़ते हैं। तो जहाँ गुरु का अपमान होता है ना, वहाँ से भगवान भी हट जाते हैं, लक्ष्मी भी घर से चली जाती है, हर चीज़ चली जाती है। और माँ बाप का, आजकल के बच्चे कैसे हो गए मालूम है आपको, आजकल के बच्चे अपने से ज़्यादा अपने, मतलब खास करके आदमी लोग की बात बोलूँगी, माँ बाप ये सोच के शादी कराते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमें देखेंगे, लेकिन बेटे क्या करते हैं मालूम है, जैसी बीवी आती है वो बीवी के मायके वालों को हो जाते हैं। उनके घर में शादी पड़े, मरण पड़े, जो पड़े वो उनका ही देखते हैं। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी मरनी। आगम आएगा, आगम क्या आएगा मालूम है, जब आपका बेटा बड़ा होगा और सेम प्रोसीजर वो आपके साथ करेगा, वो भी आपको छोड़ के अपनी बीवी के घर पे जाके अपनी बीवी के मायके वालों को देखेगा, तब ये बात पता चलेगी। देखो, प्यार करना अच्छी बात है, ये नहीं कोई बोलता है माँ बाप की बीवी से प्यार मत करो, बीवी से प्यार करो, सिर्फ बीवी से ही प्यार करो, उसके मायके वालों का ठेका मत लो यार। क्योंकि आजकल की लड़कियाँ जो मायके जा रही है ना, वो मायके वाले सिर्फ शादी, पहले के मायके वाले सिखाते थे जाना लेकिन मर के वापस आना, अर्थी आनी चाहिए, बार बार घर पे मत आना। और आज के मायके वाले क्या सिखाते, जा 2 महीना रहे, देख अच्छा लगता है तो ठीक है, ना तो बेटे को ले दामाद को लेके इधर आ जाना, हम लोग तुझे रखेंगे। और दामाद भी इतने बेशरम होते हैं कि चले जाते हैं, मतलब घर जवाई बन गए। ये सब अच्छी बात नहीं है। अपना तुम्हारी कोई अपनी इज्जत नहीं है क्या, ईगो नहीं है क्या? अपना घर ही अपना होता है, समझ रहे हो? अपने घर में हम अगर नमक रोटी खाते हैं ना, वो अपना है। दूसरे के घर में जाके जाएंगे ना, माँ बाप या मायका किस लिए अच्छा है मालूम है, कि 10 बार बेटियों को 10 बार बुलाने पर अगर एक बार बेटी जाए ना, तो उस जगह पे एक माँ ही अलग हो जाता है। लेकिन जहाँ बेटी हर दूसरे दिन मुंह उठा के जाती है, तो वो सिर्फ माँ बाप को अच्छा लगता है।
बाकी घर वालों को नहीं अच्छा लगता, वो सोचते होंगे क्या है यार ये, इसका मुसीबत रोज मुंह उठा के चले आता है ऐसा। वो आप लोगों को मैं समझा ली, क्योंकि दिवाली का मतलब ही क्या है मालूम है, बांट के खाओ, सबको खुशियाँ बांटो। पता है आज के दिन श्री दिवाली क्यों मनाई जाती है? श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के बाद। किस लिए गए थे? अपने पिताजी की एक वचन पूरी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दशरथ ने कहते हैं केकई को वचन दिया था कि मेरा बेटा 14 वर्ष का वनवास पूरा करेगा। एक बाप के वचन को पूरा करने के लिए उस इंसान ने 14 वर्ष वनवास में बिताए हैं, उसे कहते हैं बेटा। और आज का बेटा बोलेंगे तो जरा सा देखेगा कि बीवी काम कर रही है, माँ बाप को खाना बना के दे रही है, तो चल चल भाई चल अपन अलग रहेंगे चल। उल्टा अगर अभी वही बीवी की माँ, अगर अभी बीवी के मायके वाले आके बैठ के खा रहे हैं, दिन भर बीवी उनकी सेवा करेगी, देखना अपने माँ बाप की सेवा दिन भर करेगी, तब जरा भी उसको तकलीफ नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, तब पति कुछ नहीं बोलेगा, तब उसको ये दुख नहीं होगा। पता है ऐसा करके आप अपनी माँ की कोख को गाली देते हो। आपकी माँ ये सोचती होगी कि मैंने इसको पैदा होते मार क्यों नहीं दिया, मर जाता तो अच्छा था, क्या क्या करूँ पैदा करके। क्या होता है ना, एक्चुअली ये सब अच्छी बात नहीं है, जाने दो, मेरा काम है, देखो दिवाली है, मैं अच्छी बात सिखाऊंगी। मैं ये नहीं बोलती बीवी को छोड़ दो, मैं बोलती हूँ सबको सबके बराबर का प्यार दो, सब जगह बराबर रहोगे ना, सब जगह बराबर देखो। मेरे बच्चे आने वाला है ना, मैं ये सोचती हूँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उसको बचपन से अच्छी सीख दूँ मेरे घर में, क्योंकि हमारे भी बच्चे ना हमको भी वही सीख देते हैं। क्यों देते हैं? कि मिल के रहो, बांट के खाओ। बांट के खाने में जो मज़ा है ना, अकेले खाने में नहीं। एक एक जगह कैसा है, अकेले खाओ पियो मज़ा। अरे बाप तो कंटाला नहीं आता है। मैं एक औरतों को पूछना चाहती हूँ, तुम अकेले रहती हो अपने बच्चे और पति के साथ, तुमको कंटाला नहीं आता है? ना घर में कोई देखने वाला, ना डांटने वाला, आराम से सो के उठने का 11-12 बजे, खाना खाने का 5 बजे, सोने का रात को सुबह 4 बजे, मज़ा आता है, मज़ा आता है ना। लेकिन सोचो वही जर्नी तुम्हारी जनरेशन जब आगे बढ़ेगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा करेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा। आईना दिखता है, आईना पलट के वापस आके दिखता है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, उल्टा उसका 4 गुना भुगतान मिलता है। आप आज जिसको सताओगे ना, चाहे अपने माँ बाप हो, जिसका दिल दुखाओगे ना, 4 गुना उसका रिटर्न तुम्हारे बच्चे तुमको देंगे, जैसे करोगे वैसा आएगा, जो बोओगे वही पाओगे। ये बात है। दूसरी बात, मैंने अपने ग्रुप में कुछ लोगों की शक्तियाँ रात को छीन ली हैं, क्योंकि जब मेरी बातों का मान सम्मान नहीं तो उनको शक्तियाँ क्या करेंगे, सबको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे लो खाओ। एक पता एक जगह पे थी डायन, खाओ रे खाओ, पैसे खाओ, मोल खाओ, खाओ पैसे खाओ, कितना दिन खाओ हम देखते हैं। छीन लिया शक्ति नहीं। आप जितनी बार भी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा उतनी बार खुद के घर पर ही नेगेटिविटी आएगी। अभी किसके लिए किया है मुझे नहीं मालूम, मैंने बस इतना किया है कि जो भी ग्रुप में इस तरह से नेगेटिविटी कर रहे, क्योंकि आनंद भाई की मम्मी गुजर गए, अगर पूरे ग्रुप वालों ने मिलकर कोशिश की होती तो ये चीज़ें नहीं होती। हालांकि हमने अपने ग्रुप में 5-6 जनों को मैसेज पहुंचा दिया था कि इनकी मम्मी बीमार है, कोई बात नहीं, उनकी उम्र भी हो चुकी थी, उस बात का दुख नहीं है। लेकिन विद्या देवी यहाँ चूक गई, क्योंकि मैं ऐसी हालत में बैठ नहीं पाती पूजे में, उसे थोड़ी सी चूक हो गई, कहीं ना कहीं मेरी गलती तो है, ये चूक हो गई उससे, कोई बात नहीं, देखेंगे। वक्त सबको अच्छा सबक सिखाता है। और दूसरी बात, कितने लोग मेरे को ना ईगो हर्ट करते हैं मेरा, आज कौन सा दिन है, संडे, 3 दिन और है, मैं रोज़ एक एक दिन गिना रही हूँ, क्यों एक एक दिन जो सब पे भारी पड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरह भारी पड़ना शुरू हो गए। मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ, ऐसा मत सोचूँ मैं दिवाली की रात को ही कोई बड़ा बम फोड़ूंगी, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। और दूसरी बात, बाजी तो मेरे हाथ में है, आप लोगों को शायद याद होगा आरिफ शेख की तारीख हो चुकी, उसको 202 का समन निकल चुका है, पूरी बाजी मेरे हाथ में है, मेरे वकील ने कहा है पूरी बाजी मैडम आपके हाथ में। आरोपी का स्टेटमेंट मायने नहीं रखता, वो स्टेटमेंट में क्या बोलेगा क्या नहीं बात नहीं, मैं खुद जाने वाली हूँ कोर्ट, क्योंकि जज मेरा स्टेटमेंट लेगी और मेरे स्टेटमेंट में मैं जो बोलूँगी वही मायने रखेगा। तो बस मेरे वकील ने बोला मैम आपको आना पड़ेगा, मैंने मैं क्यों नहीं आऊँगी, झूठी थोड़ी होना, नहीं आऊँगी, आऊँगी मैं। और नसीब ऐसा है कि हमारी जज भी एक लेडीज़ ही है, एक लेडीज़ को तो समझेगी,
मैंने तो सोचा है, बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन अभी बॉम नहीं फोड़ेंगे। क्या होता है मान लिया इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत ही खतरनाक होगा, ना किसी का नाम लेंगे ना किसी को उल्टा बोलेंगे। पता है तूफान आने के पहले समुद्र कितना शांत रहता है, पता है ना? ऐसे यहाँ है कुछ, तूफान आने के पहले यहाँ समुद्र एकदम शांत है। अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्या कब करूँगी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो बस वेट एंड वॉच एंड हैप्पी दिवाली, खुश रहो और वेट करो। बस दिवाली की जितनी छुट्टी है उतने दिन ही तुम्हारे लिए होगी, सबकी अच्छी बात है। बात की बात तो मैं देख लूँगी। जय माता दी।